बुलंदशहर पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें, बुलंदशहर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कि भेड़ और बकरियों को अपना निशाना बनाया करता था। आपको बता दें, दिन में गुब्बारे बेचकर बस्तियों में रेकी किया करते थे और फिर रात को भेड़ और बकरियों को लूट का निशाना बनाया करते थे। फिलहाल आरोपियों के कब्जे से 10 भेड़ और 4 बकरियां बरामद हुई हैं। फिलहाल इनसे आला अधिकारियों ने पूछताछ भी की है। 5-8 को खुर्जा देहात थाना अंतर्गत जो रॉयल रिसॉर्ट होटल है उसके सामने से भेड़ की चोरी हुई थी, जिसके संबंध में लगातार थाना खुर्जा देहात और हमारी एसओजी की टीमें लगी हुई थी और मुखबिर की सूचना पर कल ये लोग चेकिंग के दौरान पकड़े गए। इनके पास से 10 भेड़े, 3 बकरियां और जो गाड़ी, जो बोलेरो पिकअप, 2 तमंचे, 2 चाकू और खिलौने और गुब्बारे, जो बैग बेचने का काम करते हैं, आमतौर पर रोड के किनारे खिलौने गुब्बारा इस तरह से दुकानें रख करके एक नाटक करते हैं कि हम खिलौने बेचने वाले हैं और इनमें से कोई चुपके से रैकी कर लेते हैं और सुनसान जगहों पे जहां इनको सुरक्षित लगता है ऐसी जगहों पे रात में जा करके चोरी करके दूर निकल जाते हैं। तो ये हमारे पास, हमारी एसओजी के पास सूचना थी जिसके आधार पर चेकिंग की गई और इस 5 अभियुक्त इनमें से पकड़े गए और इनके पास से ये सारी चीज़ें मिली है। इसके अलावा इन्होंने ककोर थाना क्षेत्र में भी एक बकरी चोरी की घटना की थी, उसमें भी बरामदगी हुई और बाराबंकी और अलीगढ़ से भी इनके द्वारा इस तरह की घटनाएं की गई है। ये हर बार नाम बदल के जब कहीं पकड़े जाते हैं तो नए नए नाम पते से ये जेल जाते हैं, इसलिए इनका आपराधिक इतिहास बहुत खोजना आसान नहीं होता। काफ़ी छानबीन के बाद इनके आपराधिक इतिहास मिले हैं, जिनमें से अभियुक्त ये जो जगदीश और सीताराम हैं इनके विरुद्ध 5 मुकदमे, अभियुक्त शंकर और वकील के विरुद्ध 4 मुकदमे, ये अलग अलग जगहों पे गुड़गांव में, अलीगढ़ में और बुलंदशहर में इनके विरुद्ध पंजीकृत है, इनको जेल भेजा जा रहा है।